नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज के सारे प्रमुख अपडेट को लेकर। तो जो भी आज के प्रमुख अपडेट हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका एक भर्ती आया है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक काफ़ी अच्छी भर्ती है यहाँ पे। अगर हम पद की बात करेंगे तो कनिष्ठ कार्यपालक वायु यातायात नियंत्रण, इसके यहाँ पर 356 कुल पद हैं। यूआर के 145, ईडब्ल्यूएस के 35, बाकी यहाँ पर ओबीसी 96, एससी 53, एसटी 27 और पीडब्ल्यूबीडी सहित आपके यहाँ पर 3 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, बाकी अन्य भी आपके पद है। तो मेन आपका यहाँ पर इसमें वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, तो एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अन्य पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। अब यहाँ पर आपका मेन क्या है, योग्यता और अनुभव, यानी कि जैसे कि आपका ये दूसरा वाला है जिसमें ज़्यादा आपके सीटें हैं, इसमें क्या बोला कि भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान यानी कि बीएससी में 3 साल की पूर्णकालिक नियमित स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए, या जो है किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की पूर्णकालिक नियमित स्नातक डिग्री किसी एक सेमेस्टर पाठ्यक्रम में भौतिकी और गणित विषय होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास 10+2 स्तर तक बोली और लिखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए और उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं कक्षा में एक विषय के रूप में अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो यानी कि आप इसको बहुत आसानी से दूसरे वाले को भर सकते हैं और एक बहुत ही बढ़िया आपकी ये वैकेंसी भी है। आगे यहाँ पर अन्य पदों का भी दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए नोट है कि पोस्ट कोड 1 से 3 के लिए क्या है, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शीर्ष संस्थान अथवा अन्य चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अंकों का परसेंटेज स्नातक की डिग्री और MBA सहित स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर है कि उम्मीदवार जिनके पास बीटेक बीएससी डिग्री है उन सभी उन्हें भी उन पदों के लिए आवेदन की अनुमति है जिसके लिए आवश्यक योग्यता के रूप में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री निर्धारित है। नीचे यहाँ पर है कि जिन विभागीय उम्मीदवारों के पास अंशकालिक पत्राचार वगैरह ये सारा सिस्टम जो है माध्यम से प्राप्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त डिग्रियां हैं वे भी यहाँ पर आवेदन के पात्र होंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर किस में आप पात्र हैं किस में आप पात्र नहीं हैं, वो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ये पूरा विज्ञापन है और जिसको यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी ये आपकी भर्ती भी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आयु सीमा की हम लोग बात करेंगे तो वरिष्ठ सहायक का 30 साल अधिकतम और कनिष्ठ का 27 है, प्रबंधक का यहाँ पर 32 है। तो ये पूरा ऐसे आपका दिया गया है और बाकी यहाँ पर आप इसको जो है 22/12/2022 से 21/1/2023 तक इसको भर पाएंगे और बाकी यहाँ पर आपका इसका सैलरी वगैरह भी यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, तो बाकी यह फॉर्म आपका काफ़ी अच्छा है, आप एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा और इसको आप यहाँ पर अच्छे से इस फॉर्म को। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला अपडेट आपका है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का परिणाम जारी। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में कुल 16,805 बच्चे जो है वो सफल हुए हैं। तो एक काफ़ी आपका ये अच्छा अपडेट आप सभी के लिए है और आगे का जो स्टेप यहाँ पर इसका शारीरिक जो आपका परीक्षा होना है वो यहाँ पर भी इसका कराया जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, यानी कि SSC ने यहाँ पर पूरे साल का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और UP SSC जैसे आयोग को इसे सीखना चाहिए जिन्होंने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए GD का पेपर आपका 1 जनवरी 2023 में होना है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। इसके अलावा 10+2 वाला आपका जो CHSL है ये आपका 3 मार्च में होना है। इसके अलावा फिर आपका ये मल्टीटास्किंग का यहाँ पर है, इसका विज्ञापन आएगा 17 जनवरी 2023 और लास्ट डेट होगा 17 फरवरी 2023 और अप्रैल में इसका पेपर होना है। फिर इसी तरह तरीके से आपका अगला आपका है इसका भी 24 फरवरी 2023 को आना है और इसका मई और जून में आपका इसका पेपर होना है। यानी कि टोटल जितना भी आपका पेपर होना है विज्ञापन आना है 2023 का पूरा कार्यक्रम
कब कौन सा भर्ती आएगा, विज्ञापन आएगा, कब उसकी लास्ट डेट होगी, कब पेपर होगा, पूरा दे दिया गया है इसने। ठीक है, यानी कि 2023 से लेकर 24 तक का पूरा प्लान एक साल का दे दिया। देखिए देखिए, फरवरी मार्च 24 तक का पूरा प्लान इन्होंने दे दिया है। तो बहुत ही एक शानदार ये अपडेट आप सभी के लिए है, और ऐसा ही हर आयोग को करना चाहिए कि पूरा परीक्षा कैलेंडर पूरे साल का जारी कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पता हो कि कब कौन सा फॉर्म आएगा, ठीक है, कब कौन सा पेपर होगा, और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। UPSS से जैसा कंडीशन ना रहे कि पता ही नहीं कि कब कौन सा पेपर होना है और आयोग सिर्फ सोता रहता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे UPSS री एग्जाम को लेकर, इसके लिए एक विशेष सूचना है, और सूचना यहाँ पर यह है कि जनवरी 2023 से मैं आप सभी के लिए लगातार क्लासें करने वाला हूँ, वीडियो री एग्जाम पेपर को देखते हुए, क्योंकि ये आपका पेपर मार्च लास्ट में या मार्च के बाद होना बिल्कुल तय है। वीडियो का पेपर तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है रीजनिंग टोटल कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, इसके अलावा हिंदी और GS, ये तीन आपके सब्जेक्ट हैं, और तीनों सब्जेक्ट को मैं आपको जनवरी से शुरू करूँगा, और लगातार मैं इसके लिए क्लासे आपके लिए करता रहूँगा। तो ये पेपर आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, बस आपको सभी चीज़ों को फॉलो करना है, लगातार उनके चीज़ों को करते रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो जैसा पेपर पूछा गया था, जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि आपका हो गया रीजनिंग का टॉपिक, हिंदी हो गया, आपका GS हो गया, वो सारा यहाँ पर मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, तो जनवरी 2023 से हम लोग इसके लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और आपको बस अपनी क्लासों को ज्वाइन करते रहना है टाइम टाइम पर। ठीक है, इसका पेपर आपका बिल्कुल एकदम तय है कि मार्च के लास्ट में या मार्च के बाद होना तय है, पेपर इसका हो जाएगा। आपके पास बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, और जितना अच्छा तैयारी करेंगे पेपर में आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अभी आप बिल्कुल भी ढीले होकर मत बैठिए कि जब आएगा तब देख लेंगे, क्योंकि UPSS जैसा आयोग जो है नोटिस आपको दे देगा कि 15 दिन बाद आपका पेपर है, और फिर आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ तैयारी आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी नहीं की है, तो अब से आप अपनी तैयारी में ज़रूर लग जाइए, जिससे कि एक शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो पाए और अच्छा एक पेपर आप अपना दे पाएँ। ठीक है, तो ये इसका सूचना है UPSS री एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ अन्य अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टेक केयर, थैंक यू।